कर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। क्रिकेट जगत से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है और विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। इस बीच ये बड़ी जानकारी विराट कोहली ने ट्वीट करके ये बकायदा जानकारी दी है और T20 वनडे से पहले ही वो अपनी कप्तानी छोड़ चुके हैं, लेकिन अब ऐसे में टेस्ट क्रिकेट से भी वो अपनी कप्तानी की दावेदारी छोड़ चुके हैं। तो विराट कोहली ने ट्वीट करके बकायदा इस पर जानकारी दी है और अपनी बातों को साफ किया है। तो विराट कोहली जो कि टेस्ट टीम की कप्तानी अब उन्होंने छोड़ दी है, इससे पहले T20 और वनडे को लेकर के भी जानकारी मिल रही थी, लेकिन अब आप टेस्ट क्रिकेट को लेकर के भी ये फिलहाल जानकारी है। T20 वनडे से पहले ही वो अपनी कप्तानी छोड़ चुके हैं। तो विराट कोहली ने ट्वीट करके बकायदा इस पर जानकारी दी है और साथ ही साथ इसको लेकर के एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई, विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। और इससे पहले दरअसल विराट कोहली के द्वारा, चाहे वो T20 फॉर्मेट में कप्तानी को लेकर के सवाल हो या वनडे सीरीज में कप्तानी को लेकर के बात हो, पहले से ही वो कप्तानी T20 और वनडे को लेकर के छोड़ चुके हैं, लेकिन टेस्ट टीम की कप्तानी भी अब विराट कोहली के द्वारा छोड़ दी गई है। जी राजीव, गया सौरव गांगुली के खिलाफ फिर एक स्टेटमेंट आया, फिर अब जिस तरह से टेस्ट सीरीज हमारे हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर विराट कोहली ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया। शुरू के दो टेस्ट मैचेस में उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने नहीं दिया गया। यह माहौल ऐसा बना दिया गया था, विराट पे प्रेशर बनाया गया जिससे वो इस्तीफा दें, आप इस बात से सहमत नहीं है? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं दबाव जरूर बनाया गया और ऐसा नजर आता है कि विराट कोहली किसी प्रेशर में थे और कल जिस तरीके से राजीव के द्वारा ये कहा गया है तो वो जाहिर तौर पर स्पष्ट करता है कि बहुत सारी चीजें, हालांकि कल की इस PC के जरिए सब स्पष्ट होती हैं, लेकिन विराट कोहली के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया जाता है और टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी पर अब उन्होंने छोड़ दी है। हालांकि इससे पहले T20 और वनडे फॉर्मेट में भी कप्तानी वो छोड़ चुके हैं।